हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आए हो। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख पाओगे, ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है जो आपकी ट्रैक्टर्स होती है ना, ट्रैक्टर्स की फ्रंट ग्रिल का कवर है। तो ये कॉम्पोनेंट में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस कॉम्पोनेंट की जो कॉम्पोनेंट होता है, कोई भी ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट होता है, वो क्या होता है, मिस अलाइन होता है। तो उस कॉम्पोनेंट को कैसे मोल्डिंग की अकॉर्डिंग अलाइन करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कॉम्पोनेंट है, मैं आपको कॉम्पोनेंट दिखा देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है, यहाँ कंपोनेंट में अराउंड जो है 30 अंडरकट्स है। ठीक है, अंडरकट ज्यादा है, लेकिन मैं जो है 30 लिफ्टर चलाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी दो लिफ्टर को मैं एक ही में ले लूंगा। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है 30, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बना रखा हूँ, तो यहाँ पे जो है 30 लिफ्टर चलने वाला है। तो यहाँ के अंडरकट एक बार देख लोगे तो पता लग जाएगा कहाँ पे आपकी लॉकिंग के लिए किस तरीके से लगा रखा हो, कहाँ पे स्नैप्स वगैरह है, और कहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देख पाओगे इस तरीके से जो है कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके लिए क्या मैकेनिज्म दे रखा हो, तो सब चीजें देखो, कहीं पे आपकी डॉग हाउसिंग है, कहीं पे आपकी जो है लोकेटर के लिए हमने उसके ग्रुप बना रखा है, कहीं पे आपकी बॉसेस वगैरह है, कहीं पे आपकी रिव्स वगैरह है। तो बहुत कुछ चीजें जो है इस कंपोनेंट पे, उसी अकॉर्डिंग जो है इसको हमको पूरा प्रॉपर तरीके से मोल्ड डिजाइनिंग करना है। तो मोल्ड डिजाइनिंग करने से पहले इस कंपोनेंट को हमको अलाइन करना पड़ता है। कभी भी आपके पास कंपोनेंट होती है, इस कंपोनेंट को हम अलाइन करें ऐसे करेंगे, उसके बारे में जो है आज का वीडियो है। तो ये प्रॉपर कंपोनेंट है, इसको हम आज अलाइन करके देखेंगे। तो मैं आप यहाँ पे डोटम को ऑन कर लेता हूँ, जो मेरा डोटम है, यहाँ पे मेरा डोटम आ गया है। अब आप ध्यान से देखोगे ना, आपको ये चीजें पता लग जाएगा। यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे कौन सा फेस जो है, मैं मास्टर फेस ले सकता हूँ। मैं अगर इस फेस को मास्टर ले सकता हूँ ना, तो कभी कभी मैं ठोका खा जाऊंगा, क्योंकि कंपोनेंट को एस्थेटिक लुक को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कहीं पे कार्व्स होता है, कहीं पे ड्राफ्ट होता है। तो आप जो है ऐसे फेस को आप मास्टर नहीं ले पाओगे। आपको मास्टर लेना होती है जो बॉस होती है, जो लिप्टर फेसेस होती है, तो उस वाले फेस को आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉम्पोनेंट मेरा मिरर है, तो मैं इस वाली फेस को जो है यहाँ पे ले लूंगा। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो फेस है, ये जो फेस है, आप यहाँ पे इनफर्ट फेस ले रखा हो, और ये जो फेस है, दोनों फेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों फेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी दबाऊंगा, मूव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सी वाइज टू सी वाइज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाइज जो होगा, स्पेसिफाई टू सी वाइज जो होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डोटम है, वो जो आपकी डोटम के जो फेस है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ से वो कंपोनेंट उधर पे चले जाएंगे। ठीक है, आपको अगर वो प्रीव्यू करके देखना है तो प्रीव्यू करके देख सकते हो। अगर प्रीव्यू नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम जो है फास्ट काम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपोनेंट की मैं सरफेस के अराउंड बात करूँ, तो यहाँ पे 13,000 या 14,000 सरफेस है। तो 13-14,000 सरफेस में काम करने के लिए आपको सिस्टम भी बहुत बढ़िया सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा। अभी जो मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, मैं वर्क स्टेशन पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एडिटिंग विडिटिंग का काम करते रहता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, आपको क्या कर लेना है, प्रीव्यू को आप कर लेगा काम कर लेना है। ठीक है, तो मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट को दिखा देता हूँ, और जो यहाँ पे मेरा प्लान है, इस प्लान को मैं हटा दूंगा 100 लेयर पे। ठीक है, अब जो है इसको होम पे ले आएंगे। अब होम पे ले आने से पहले जो कंपोनेंट है मेरा, क्या है, घुमा हुआ है, इस कंपोनेंट को मैं 90 डिग्री में टर्न करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री में मुझे इसको रोटेट करना है। क्यों रोटेट करना है, क्योंकि यह जो फेस है, ऊपर वाला फेस है, वो केबीडी में जाएंगे, और नीचे वाला पर्सन जो है मैं कोर पे आएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स सही भी लेंगे ना, तो मैं इसकी पूरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पूरा मोल मेरे पास पड़ा हुआ है, पूरा मोल बना रखा हो, अगर आपको देखना है वो चीजें भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो जो कॉम्पोनेंट है, इसको हम रोटेट करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो मैं ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप रोटेट करते हो, तो इसको मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे लेके आके रोटेट करो, तो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको बाद में मूव करूंगा, तो अभी मैं यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे लेके नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी इसकी रोटेशन करते हो ना, तो इसको आप मैक्सिमम पॉइंट पे लेके आके रोटेशन करो, तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसको मैं 180 लेके इसको रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा रोटेशन होके आ गया है। अब इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अगर आप बिना प्रीव्यू का काम करोगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आराम आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक एक चीजें जो है मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। इसको नहीं करोगे तो क्या दिक्कत होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपका जो है हो गया। अब होम दबाऊंगा ना,
तो आप होम दबाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कंपोनेंट जो है किस तरीके से रहेगा, एक्चुअल में कैसे रहेगा। अब जो है मेरा जेड एक्सिस जो है यहाँ पे अलाइन हो गया, मेरा जेड अलाइन हो गया यहाँ पे। मैं अगर इसकी ग्राफ एनालिसिस वगैरह करके आपको मैं दिखाऊँ ना तो आपको पता लग जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ ग्राफ एनालिसिस करके, देखो प्रॉपर्टी से अलाइन है। तो ड्राप करने से पहले मैं इधर से स्लोप से कर दूंगा, ड्राप से भी आप कर सकते हो। तो स्लोप लेके मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे 0.5 का मैं ड्राफ रखूंगा, ठीक है, मिनिमम रख रहा हूँ 0.5, इससे कम नहीं रखना होता है। देखो 0.5 भी लगाऊंगा ना तो मुझे यहाँ पे जो इंटरलॉक लगाना पड़ेगा, और इंटरलॉक का भी एंगल होता है, ठीक है, जब मोल्ड क्लोजिंग करते हो ना तो इंटरलॉक लगाना पड़ता है, तो 0 डिग्री इंटरलॉक लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0.5 का मैं मिनिमम कंसिडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको बड़ा का भी देख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे है, लेकिन जो भी इचिंग वाले कंपोनेंट होते हैं ऑटोमोबाइल में इतना बड़ा कंपोनेंट होता है, मिनिमम से मिनिमम आपको 6 डिग्री ड्राफ्ट कंसीडर करके रखना होता है, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड है आपका, यह सब चीजें आपको कोई नहीं बताएंगे। जब आप काम करोगे ऑटोमोबाइल बड़ी बड़ी मोल पे काम करोगे तो जब आपकी DFM देना होगा, जब इसकी आप जो है पैरामीटर वगैरह सिलेक्ट करो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह दोगे ना, तो ये सब चीजें आपको मेंटेन रखना होगा, क्योंकि ये नहीं करोगे बाद में फिर वो दिक्कत आपके ऊपर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया है, तो यहाँ पे देखो 0.5 में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें है, यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिफ्टर चलने वाला है, मुझे कोई इशू नहीं है। सब देखो अभी आपको ये पता लग गया कि मेरा जेड जो है ना ओके है, लेकिन मेरे को अभी यहाँ पे एक्स और वाई ओके नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 डिग्री कर देता हूँ, तो 5 डिग्री में देखो मेरा ड्राफ्ट जो है ये वाला फेस में ड्राफ्ट कम है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कम है। यह वाला फेस में देखते हैं ना तो ये वाला फेस जो है अराउंड जो है 3 डिग्री के आसपास है, 3 डिग्री के आसपास है। तो इस तरीके से जो है इसको हाईलाइट करके आप पता लगा सकते हो किस एरिया में आपको रखना है। अगर कंपोनेंट पे इचिंग होना है तो आपको जो है 6 डिग्री का ड्राफ्ट मेंटेन रखना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अब जो है हमने एक्स का कर दिया, वाई का कर लिया, अब हम जो है इसके जेड का करेंगे, जेड का कर लेंगे। अब हाइट मैक्सिमम पॉइंट पे ले आएंगे, अब जो जेड होगा आपका पॉइंट टू पॉइंट करूंगा मैं, देखो पॉइंट टू पॉइंट कहाँ पे ले आना है, यहाँ पे मैक्सिम ये वाला पॉइंट से ले आना है, कहाँ तक ले आना है, नीचे वाला पॉइंट तक ले आना है। तो हम जो है इसको मैक्सिमम पॉइंट पे ले आना है, ये वाला काम पहले कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसकी एक बार अब खुद से एक बार ड्राफ्ट एनालिसिस कर लेना। देखो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है इसको मैं डोटम पे ले आ रहा हूँ, ठीक है, और सेंटर को भी ले आना है, हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटर कौन सा है, सेंटर मेरा यही है तो मैं इसको यहाँ से ले आया हूँ। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि सरफेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सरफेस है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ तक, हो गया। तो ये जो है अभी सेंटर पे आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करके काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेंगे आपके। देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया है, सेंटर पे आ गया है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने इसको ले आया है, अब देखो मेरा एक्स वाई काम बाकी है, मेरा जेड जो है ना ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर अलाइंड है, लेकिन मेरा एक्स और वाई अलाइन नहीं है, क्योंकि क्या है मेरा देखो ऊपर से देखूंगा ना, मेरा मतलब जेड एक्सिस से मैं देख रहा हूँ ना तो ये मेरा प्रॉपर अलाइन है, बट यहाँ से मैं वाई एक्सिस से देखूंगा ना, देखो जेड से मेरा प्रॉपर है, वाई से देखूंगा ना तो वाई से क्या मेरा प्रॉपर है, नहीं है। यहाँ पे इससे देखो यहाँ से प्रॉपर अलाइन है, नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई से भी अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कर्व में जाऊंगा, कर्व में जाने के बाद जो मेरा ये वाला पॉइंट है जिसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट मूव करा था, वहां से यहाँ पे मैंने देखो एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया। लेने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे कुछ, फिर मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीजें आप करोगे ना तो कभी भी फंसोगे नहीं, ठीक है। देखो अब समझने की कोशिश करना, पिवोटेड पॉइंट मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों पॉइंट मीट होता है, ये मेरा पिवोटेड पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा मेरा, ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा ये। अगर कंपोनेंट में रेडियस होगा ना तो रेडियस को हटा लेना पहले, ठीक है, नहीं तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, रेडियस को पहले आप हटा ही लेना, हटा लेने के बाद ये वाला काम करके फिर जितना का रेडियस होगा उतने का डाल लेना आप, अगर कंपोनेंट के सेंटर पे रेडियस होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम जो है इसको घुमा लेंगे, थोड़ा प्रीव्यू हो रहा है, इसमें टाइम लगेंगे आपके। तो ये देखो हो गया आपका प्रॉपर अलाइन जो हो गया, ऊपर से देखो आपका अलाइन हो गया, हम इसको ओके कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें ये देखते हैं जो हमने अलाइन करा है,
अब देखो एक्स एक्सिस से ओके हो गया, वाई से भी हो गया, जेड से भी हो गया। अब इसके बाद हम इसकी ग्राफ एनालिसिस करके देखेंगे और थिकनेस एनालिसिस करके देखेंगे। देखो ये हो गया आपका, अब इसको हम जो है हाइड कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे यहाँ पे मेरा, देखो यहाँ से अलाइन हो गया, ठीक है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, बीच बीच में बहुत खांसी आ रहा है क्योंकि 2 दिन पहले मेरे को एक्सीडेंट हो गया था। मैं फोटो वगैरह आपको दिखा रहा हूँ, मतलब मरते मरते बच गया बस। लक्ष्मी पूजा की दिन था, मेरा बगल में एक गांव है, वहां पे लक्ष्मी पूजा होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लगभग 2.5 लाख 3 लाख लोग आते हैं पूजा मनाने के लिए। तो मैं वहां से आ रहा था, रात की 11 साढ़े 11 हो गया था। तो वहां से जैसे मैं आ रहा था, बीच में एक स्पीड ब्रेकर पड़ता है, तो स्पीड ब्रेकर में अपना स्पीड में कम कर लिया था मैं, 50-60 की स्पीड में आ रहा था। तो मैं जैसे स्पीड ब्रेकर मुझे आगे दिखाई दी, तो मैं लगभग 15-20 में आ गया, मेरा गाड़ी, मैं खुद ड्राइव कर रहा था। तो पीछे से एक डंपर आया और अचानक से ठोक दिया। अब डंपर वाले की बात बाद में बोला कि सर मेरा ब्रेक फेल था। तो मान लो 70 की स्पीड से मेरा गाड़ी में डंपर, जो डंपर ने ठोक दिया, आप गाड़ी का हालत देख पा रहे हो किस तरीके से गाड़ी का हालत हो रहा है। सडनली जैसे शॉक मारा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ मैं सोच नहीं पा रहा था। लगभग 6 सेकंड के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर सडनली मैंने चिल्लाया, मेरे चिल्लाने से मेरे दोस्त लोग, जो 4 लोग पीछे बैठे हुए थे, मतलब हम लोग टोटल 4 लोग थे, तो 4 लोग जो है सडनली उसको समझ में आ गया, हाँ भाई कुछ तो हो गया अपने साथ। तो फिर मैंने गाड़ी को साइड लगाया, साइड लगा के देखा गाड़ी पूरा डैमेज हो चुका है, मेरा हेड से जो है खून निकल रहा है। तो फिर मैं कैसे कैसे हॉस्पिटल वगैरह गया, गाड़ी को साइड लगाया, फिर जो पुलिस पुलिस का केस बेस हुआ, होने के बाद नेक्स्ट डे मैं जो है कि गाड़ी गाड़ी जो है गाड़ी वाली जो था इंश्योरेंस में मैं दे के चला आया। बहुत मतलब गंदा सीन था भाई, मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा ना कोई लाइफ का कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कितना भी सेफ चलो, आप कुछ भी करो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है भाई। ऊपर वाले का दुआ था, मतलब ऐसे मैं सोचू ना कि ऐसा सिचुएशन से मैं वापस आ गया ना, मुझे उस दिन लगा कि यार अगर मान लो मैं बाइक में रहता ना, तो उस दिन तो मैं तो स्पॉट डेड होता भाई, क्योंकि डंपर था यार 70 की स्पीड से, कोई मजाक नहीं है यार। मेरा गाड़ी लगभग जो है 20-25 मीटर तो आगे चला गया भाई, जैसे उसने टक्कर मारा। सीन ऐसा हो गया, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा था। पर एकदम जब से मेरा पीछे से मतलब इम्पेक्ट हुआ ना, मेरा हेड जाके डायरेक्ट स्टेयरिंग पे मारा। मेरा दोस्त लोग जितना भी बैठे हुए थे ना, सबने अपना अपना हेड जो है, किसी ने डैशबोर्ड में मारा है, किसी ने जाके सीट कवर में मारा है, यहाँ पे किसी को गर्दन पे चोट आया है, मेरा तो हेड इंजरी हो गया था। कैसे कैसे हो गया, अब देखो ये बिल देख पा रहे हो शायद, 1,37,000 का बिल आया है इंश्योरेंस का। तो भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन समझने वाली बात यह है ना, जब कुछ चीज बुरा होता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको मतलब इंस्टेंस मिल जाता है। जैसे मेरे साथ उस दिन एक दोस्त था, ठीक है, वो वहां का मतलब थोड़ा पॉलिटिशियन टाइप का बंदा था, वो मेरे साथ कभी इतना फ्रीली नहीं घूमता था। उस दिन बोला कि चलो आज घूमने चलते हैं, यहाँ पे वो हो रहा है, वो बंदा पता है कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं उसके साथ घूमता था। वो बंदा उस दिन आ गया, आने के बाद जैसे एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे ने पूरा मतलब संभाल लिया, जो पुलिस पुलिस का केस हुआ था, जो बाहर के बंदे बंदे आए थे, उसने पूरा संभाल लिया। तो मतलब ऐसे मानता हूँ ना, ऊपर वाले जब भी कुछ मुसीबत देते हैं ना, तो मुझे अंदर से वो चीजें फील होता है, जब भी कोई मुसीबत देते हैं ना, उसके साथ ना आपका सोल्यूशन भी देते हैं, बस आपको ना 1-2 दिन पहले ना वो चीजें फील होने लग जाता है। ये मेरा मानना है, मैं कहीं पढ़ा भी था ये चीजें। तो अगर कहीं पे आपको मतलब कोई मुसीबत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसके साथ सोल्यूशन भी देते हैं, बस फर्क ये होना चाहिए ना कि आपको ढूंढना आना चाहिए। यहाँ पे देखो इस तरीके से भी अलाइन है, इस तरीके से एलाइन है। अब एलाइन है या नहीं है प्रॉपर, कैसे आप उसको पता लगाओगे? इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, वो जो टिप्स है ना वो आपको बहुत काम आएंगे। जब भी आप रिवर्सनिंग करते हो ये काम करना पड़ेगा, जब भी मोल्ड डिजाइन करते हो या आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एनालिसिस में जाएंगे, जाने की बात इसकी मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, जाने की बात इसकी मैक्सिमम पॉइंट। तो पर कितना पता लग गया, यहाँ पे 0.01 मतलब 10-11 माइक्रोन्स का एरर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं हॉरिजेंटली, इसमें हॉरिजेंटली कितना एलाइन है, हॉरिजेंटली एलाइन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर वाले लेंगे, लेने के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, तो कितना एरर है ये देखेंगे। यहाँ पे कितना है, 0.03 का डिस्टेंस है, क्या ये सही है?
मतलब हमने क्या करा है, हमने बस इस तरीके से हमने अलाइन कर दिया, ठीक है, इससे हमने अलाइन कर दिया, हमने फेस से अलाइन कर दिया, क्या हमने इस तरीके से अलाइन करा है? नहीं करा है ना, क्योंकि अगर अलाइन करता ना तो फैक्टर देखो, फैक्टर में कौन से फैक्टर ले रखा है 19 से, तो ये वाला क्या सही होता? नहीं होता ना, तो ये भी गलत है, तो इसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। हमने एक्स का करा, फिर हमने वाई का करा, फिर हमको जेड का करना पड़ेगा, मतलब तीनों करना पड़ेगा आपको, तीनों करना पड़ेगा। जूम करके मैं दिखा दूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये जो है प्रॉपर आपको अलाइन करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट मेरा मिरर है या नहीं है। ठीक है, जेड को ले आता हूँ, तब ध्यान से देखोगे ना ये सेंटर पे है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा सेंटर पे है, तो ये भी मेरा सेंटर पे है, तो ये जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कई जो है एरर यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये वाला जो है कर्सर इसको ऑन कर लेना है। इसमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट की करके आपको ये जो क्रॉस एज है ना इसको ऑन कर लेना है, इसको शो कर लेना है, ठीक है, तभी ये जो है आप इसमें देख सकते हो कि आपका ये प्रॉपर अलाइन है कि नहीं। ठीक है, एनालिसिस में जाके अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट भी देखता हूँ ना, लाइक यहाँ पे दो पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कभी कभी रेडियस का भी फर्क हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितने का एरर है, 2 माइक्रोन का एरर है, तो ठीक है। इधर से भी अगर आपको देखना है तो इधर से भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है एक्स वाई जेड तीनों तरीके से लेके इसको हम अलाइन करके देख लेंगे। मैं जाके फिर हम इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं पार्ट को, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि सरफेस ज्यादा है ना, टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली बात है। तो देखो अभी आपका जो है प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया है, एक्स से भी है, वाई से भी है, जेड से भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडरकट है आपका, लिफ्टर से लेना पड़ेगा क्योंकि लॉक के लिए ऊपर से ड्राफ्ट डालना पड़ेगा आपको, तो ये जो है यहाँ पे लिफ्टर से लेगा इस एरिया में। तो इसी तरीके से कंपोनेंट को आपको प्रॉपर तरीके से जो है आपको कोई भी कंपोनेंट है आपको अलाइन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले किस में करा, हमने जेड करा, फिर उसके बाद क्या करा हमने, एक्स वाई में काम करा। अगर एक्स वाई जेड आपको अलाइन कर लेना है तो सबसे बेस्ट है आपको कर लेना है, एक्स में आपने पहले जेड में देख लिया, फिर आप जो है एक्स में जाके देख लो, इस तरीके से भी आप देख लो। इसका जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मार के देखा, ठीक है, 2 माइक्रोन का एरर आ रही है, उस वो सरफेस में उसमें भी होती है, जब आप सरफेस को सीव कर देते हो तब, जब टॉलरेंस कम ज्यादा करते हो तो 1-2 माइक्रोन का एरर उधर भी हो जाता है, तो 2 माइक्रोन एरर इस एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपको इस साइड में भी आप जाके देख सकते हो। इस साइड में कैसे जाके देखोगे, इस वाले पॉइंट के साथ अगर मान लो बाहर से ये वाला फेस देख रहा है, मान लो ऐसे हो जा रहा है तो नीचे वाला फेस आप देख पा रहे हो तो वो गलत है, तो उससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपोनेंट की अलाइनमेंट कर सकते हो। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।